हिम्मत जवां हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, ऐसा ही कर दिखाया कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस एसोसिएशन ने और एक और बुनियाद रखी ऐसे इदारे की जहां दिन रात गुर्दों के अमराज में मुब्तिला अफराद को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साफ सुथरे माहौल में यौमिया 150 से जायद मरीजों का मुफ्त डायलिसिस किया जा रहा है। ये देखें, ये हमारे पेशेंट हैं, इनका ये फिस्टूला बना हुआ है, ये परमानेंट एक्सेस होता है। इसमें क्या करते हैं कि वेन्स को आर्टरी को मिला के एक परमानेंट एक्सेस बनाते हैं ताकि पेशेंट का डायलिसिस हो सके। इस फिस्टूला के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा, ये जो फिस्टूला है ना, इसका एक वीनस पोर्ट होता है, आर्टीरियल पोर्ट होता है, ये जो ये वाला पोर्ट होता है, और ये पूरा मशीन से कनेक्ट होता है। ये जो आर्टीरियल पोर्ट होता है ना, इसके थ्रू ब्लड निकलता है बॉडी का, ठीक है। ये हमारा मेन डायलाइजर है, ये बिल्कुल एक्ट करता है एज अ किडनी, एक्ट करता है बिल्कुल जो हमारे बॉडी के अंदर जो गुर्दे का जो मैकेनिज्म होता है गंदगी निकालने का, बिल्कुल इसका यही मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ब्लड डायलाइजर में जाता है, ठीक है, वहाँ पर गंदगी सारी निकलती है, फिर इस वीनस पोर्ट के थ्रू ये ब्लड बॉडी के अंदर वापस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इस मशीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट अलार्म्स लगे हुए हैं कि अगर कहीं ब्लड क्लॉट हो जाए, कहीं कोई एयर आ जाए, कहीं कोई जो है ना ब्लॉकेज हो जाए, तो फौरन अलार्म बीप करते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हैं तो हमें पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है या पेशेंट को कोई रिएक्शन हुआ है, तो हम फौरन डायलिसिस रोक देते हैं। जिन पेशेंट के गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, जो बेसिकली परमानेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, तो उनका यही ऑप्शन होता है, या तो उनका डायलिसिस कराया जाए या तो ट्रांसप्लांट कराया जाए। हमारे यहाँ पर डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल है। गुर्दों के मरीजों का जिनका डायलिसिस होता है, वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड यह है कि उनका हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस हो और 4 घंटे का डायलिसिस हो। लेकिन हमारे यहाँ पे पेशेंट की फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है डायलिसिस का शेड्यूल प्लान करते हैं, या तो हफ्ते में 3 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा, जैसा पेशेंट को सूट करे और जैसा उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली सूट करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस इदारे के अंदर 50 बेड हैं डायलिसिस के, और हमारे पास हेपेटाइटिस बी की अलग मशीनें हैं, हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स का भी यहाँ पे डायलिसिस होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली टेस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर की कंसल्टेशंस होती हैं, और कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जो वेस्कुलर एक्सेस है, फिस्टूला या DL, वो हम बनाते हैं। डायलिसिस के लिए आए मरीज भी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज में सहूलियात से मुतमईन नजर आए। यहाँ पे मैं 2020 नवंबर से डायलिसिस करा रही हूँ। यहाँ के टेक्नीशियन बहुत बेहतरीन, बहुत एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर बहुत माहिर हैं, हर किस्म की सहूलियत, लेबोरेटरी की भी सहूलियत यहाँ मौजूद है, मेडिसिन भी दी जाती है, और यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। मैं इस इदारे से तकरीबन 2 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छी सहूलतें हैं, मेडिसिन हमें फ्री प्रोवाइड की जाती है, कोई चार्जेस नहीं होते, और साफ़ सुथरा माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सहूलियात है, बहुत सफाई सुथराई है, लड़के बहुत अच्छे परफेक्ट हैं सब, और ज़्यादा ख्याल रखते हैं सब। माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी OPD के जरिए गुर्दों के अमराज में मुब्तिला सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 200 मरीज जो है OPD में आ रहे हैं, और तकरीबन 175 डायलिसिस हो रहे हैं, और 12-13 ऑपरेशन हो रहे हैं किडनी के। तो ये अल्लाह का हम पर बड़ा करीम ही है, और अल्लाह की हमारे साथ मदद है कि एक शख्स जो खाने के पैसे नहीं है, जब वो इस हॉस्पिटल में आता है तो बगैर पैसे के, बगैर सिफारिश के उसकी डायलिसिस भी होती है, उसके सारे टेस्ट भी होते हैं, उसका जो भी उसकी क्या कहते हैं नीड होती है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इलाज किया जाता है। हमारा जो है इसका ट्रांसप्लांट का विजन है कि हम यहाँ पर गरीब लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करें, और जो मरीज़ इस काबिल है कि वो अपने घर का खर्चा में कागजात, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और शिफा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसप्लांट तक हमारा इसका इरादा है। और अभी हम एक्सपेंशन में जा रहे हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें जो है डोनेशन फंड की दरकार है, ताकि जल्द से जल्द ये ऊपर का जो है फ्लोर जो है कम्प्लीट होए और लोगों को फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाए। तो मैं अपने खैर हजरात से
दरख्वास्त करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक हर चीज़ का जो है सवाब जो है डबल कर 10 गुना कर देता है। तो अब अपनी ज़कात खिरात इस इदारे के उन मरीजों को जो एक वक्त अपने घर के खाने कमाने वाले थे, आज वो अपने घर वालों पर बोझ बने हुए हैं कि उनको हर महीने कम से कम 12 डायलिसिस कराने पड़ते हैं, जिसकी तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये खाली डायलिसिस की कॉस्ट आती है, और इसके बाद दवाइयों की तो लाख रुपए महीने का खर्चा एक डायलिसिस की मरीज़ को चाहिए। जो जो अपने घर के ऊपर बोझ बना हुआ है उसके लिए अपनी ज़कात खराब हम इस इदारे को दें ताकि यहाँ पर मरीज़ों का इलाज हो सके और मरीज़ यहाँ से शिफा हासिल कर सके। बेहतरीन और जदीद लेबोरेटरीज में मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। KIKD हमारे इदारे का, जब अभी हमें कोविड की सूरत हाल का सामना रहा तो हमारे इदारे ने उसमें भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमारे पास यहाँ पे कोविड वार्ड हमने इस्टेब्लिश किया, जैसे ही कोविड कोरोना यहाँ पे पाकिस्तान में फैला उससे काफी मरीजों को जो है ना इस्तफादा हासिल हुआ। क्यों ना हम भी इस कारे खैर में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि आज जो हम बोएंगे वही कल काटेंगे।